हेलो एवरीवन, इलस्ट्रेशन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे इलस्ट्रेशन 15 तक हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामिन वेदर एओ हैज़ द पावर टू मेक एनी एडजस्टमेंट टू इनकम डिस्क्लोज्ड बाय द एसएससी इन द रिटर्न ऑफ इनकम इन कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143(1), ठीक है। आइए, यहाँ पे लिखे प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न है या फिर इसी को इंटीमेशन भी बोलते हैं, डीम्ड इंटीमेशन भी आता है, ये प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न होता है। इस चीज को यहां लिख लीजिए, क्या कोई एसेसिंग ऑफिसर कोई एडजस्टमेंट कर सकता है, जो किसमें एडजस्टमेंट कर रहा है, जो कि रिटर्न एसएससी ने दिया हो, कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अंडरस्टैंड 143(1). एक्चुअल कंडीशन ऐसी होती है कि जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल करने के बाद उसकी एक्सएमएल फाइल चल जाती है बैंगलोर में। पहले तो पोस्ट करना पड़ता था, बट अब बैंगलोर में एक्सएमएल फाइल चल जाती है। अब क्या होता है, बैंगलोर डिपार्टमेंट का ना यहाँ बैठ के कोई एओ नहीं कर रहा होता है। सच्चाई तो ये है, प्रैक्टिकली तो कोई एओ नहीं कर रहा होता, ये काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स। सर ये काम क्या कर रहे होते हैं, अगर आपने जोड़ घटाने गुणे भाग में कोई गलती की, मतलब अर्थमेटिकल अगर आपने एरर की, उसको रेक्टिफाई करते हैं। लॉस आपका पिछले साल में लॉस था और उसका आपने रिटर्न लेट फाइल किया था, तो कैरी फॉरवर्ड लॉस का नहीं मिलना चाहिए, आपने ले लिया है तो उसको रेक्टिफाई करता है। कोई एक्सपेंस है जो एज पर ऑडिट रिपोर्ट तो है बट बुक्स में उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, तो उस खर्चे को डिसअलाउड कर देता है। इस तरीके से कोई एंट्री है जो इनकंसिस्टेंट विथ अदर एंट्री इन बुक्स है, मतलब कोई एंट्री से मान लो डेप्रिसिएशन लगा दी 1 लाख रुपए का, एसेट ही 80,000 रुपए की थी, तो इनकंसिस्टेंट विथ अदर एंट्री अगर कोई बुक्स में है तो उसको रेक्टिफाई करता है। इस तरीके की बहुत सी मिस्टेक्स को सुधारने का काम ये करता है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एसेसिंग ऑफिसर एडजस्टमेंट कर सकता है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं, आंसर क्या है। द प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग फॉर समरी असेसमेंट इन कंटेन्ड इन सेक्शन 143(1) एज पर सेक्शन 143(1) द टोटल इनकम और लॉस ऑफ द एसएससी शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट टू द रिटर्न्ड इनकम। कौन कौन से एडजस्टमेंट, एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न एंड इनकरेक्ट क्लेम इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम किए हैं जो कि हमें पता चल जा रहा है रिटर्न से ही, उस क्लेम को भी सुधार देता है ये एडजस्टमेंट जो कर रही है ना, समझ लो एडजस्टमेंट क्या कर रही है, आपका एज लाइक सुधार कर रही है। आगे अगर हम आए, देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 143(1) एन इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न का मतलब क्या होता है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा ना इसका मतलब क्या है, मींस सच क्लेम वो क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द रिटर्न ऑफ इनकम, वो क्लेम ऑफ एन आइटम विच इज अनकंसिस्टेंट विथ अनदर एंट्री ऑफ द सम ऑफ द सेम और सम अदर आइटम इन द रिटर्न। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन बताया, अरे 80 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगाए हो, 2 करोड़ कि तुम्हारी एसेटी थी, क्या रेट लगा दी, मतलब इनकंसिस्टेंट विथ सेम एंट्री और एनी अदर एंट्री से है तो, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू सब्सटेंशिएट सच एंट्री हैज नॉट बीन सो फर्निश्ड। मतलब क्या होता है सर, ये इसका मतलब होता है ना, किसी एंट्री को इनकम टैक्स में आपने जो कोई खर्चा दिया उसके लिए आपको उसके एविडेंस देने चाहिए उसको सिद्ध करने के लिए, और आप एविडेंस फर्निश करने में फेल हो गए तो आपकी इनकम टैक्स में वो एंट्री या वो एक्सपेंस ही डिसअलाउड हो जाता है, ठीक है। यही मतलब बता रहे हैं इसका। एक और लिखा है, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन वेयर सच डिडक्शन एक्सीड स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट विच मे बी एक्सप्रेस्ड एज मॉनिटरी अमाउंट। जैसे ATC आपको 1,50,000 रुपए तक लेना था, आपने गलती से 2,50,000 रुपए ले लिए, तो इसको रेक्टिफाई करने का काम कर देगा। और परसेंटेज, बहुत सी जगह एक्सपेंसेस होते हैं ना कि फ्रेट हम सिर्फ 18% मानेंगे परचेजेस का, फ्रेट से 15% मानेंगे परचेजेस का, एज एन एग्जांपल मैंने लिया। अगर इस तरीके से परसेंटेज बेस कोई एक्सपेंस अलाउड होना है तो उसको भी रेक्टिफाई करता है, या फिर जिस तरीके से रेशियो और फ्रैक्शन बेस कुछ है तो उसको भी रेक्टिफाई करता है। ये तीनों चीज़ें किस में आती है, ये तीनों चीज़ें आती हैं एन इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द रिटर्न, इनकरेक्ट क्लेम में आती है, इसको भी सुधारता है हमारा 143(1) के अंदर एसेसिंग ऑफिसर।
हमने अर्थमेटिकल एरर देख लिया, ये इनकरेक्ट क्लेम देख लिया। तीसरा है डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम्ड इफ रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, मतलब जिस ईयर का लॉस है उस ईयर हम रिटर्न लेट फाइल किए तो हमें लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इन टू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द रिटर्न। कोई एक्सपेंडिचर था ना, उसको डिसअलाउ कर दिए। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में तो था, इंडिकेट ऑडिट रिपोर्ट तो इंडिकेट कर रही थी, बट उसका अकाउंट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउड कर दिया है। दिस अलाउंस ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA80IA IB ICID II, ये सब जितनी भी है 80 वाली सीरीज, इफ आपको पता होगा सेक्शन 10 का या फिर 80 की सीरीज का डिडक्शन सिर्फ तभी मिलता है अगर रिटर्न टाइमली फाइल हुआ हो। तो यहाँ क्या लिखा है, ये सब डिसअलाउ हो जाएगा इफ। कब डिसअलाउ हो जाएगा? इफ रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), अगर रिटर्न बियॉन्ड द ड्यू डेट फाइल हुई है। नो सच एडजस्टमेंट शैल बी मेड अनलेस एज इंटीमेशन इज गिवन टू द एसएससी ऑफ सच एडजस्टमेंट आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या बोल रहा है देखो, तुमने सुधार तो कर दिया, दुनिया भर की कहानी कर दी, एसएससी ने अपना जो भी क्लेम बना के टैक्स वैक्स भर दिया होगा, मान लो 2 करोड़ का, तुमने ये सब सुधार उधार किए, दुनिया भर की चीजें की और इसको 2.5 CR कर दिया, तो भाई एसएससी को तो बता, यही बात यहाँ लिख रही है, जिससे पैसे वसूलने उसको तो बता क्या करना है, कि कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसा हम नहीं कर सकते एडजस्टमेंट जब तक हम एसएससी को इंटीमेशन ना दें। सर इंटीमेशन दिए हैं, हाँ, तो फिर कुछ टाइम पीरियड भी देते होंगे, लॉजिकल सोचो, इंटीमेशन दिए तो टाइम पीरियड देंगे 30 दिन का, वो एक्सेप्ट करे नहीं करता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है 30 दिन के अंदर, तो हम मान लेंगे कि यही फाइनल इंटीमेशन है, फाइनल असेसमेंट है। चलो फर्दर, Assessing officer shall make any adjustment after considering the response received from the SSC. जब intimation गई ना कि हम ये adjustment करना चाहते हैं either electronic mode or writing, तो SSC उस पर respond करेगा, और respond receive करने के बाद, respond को consider करने के बाद ही assessment complete होगी, ठीक है। If any का मतलब है अगर response कोई दिया SSC ने, अगर मान लो SSC ने response नहीं दिया, तो where no response is received within 30 days, the issue of such notice The above adjustment can be made. तो भाई ठीक है, उसको नोटिस दे दिए लेकिन उसने नहीं कुछ रिस्पॉन्स दिया, तो ये जो एडजस्टमेंट जो हम इंटीमेट किए थे वो हम मेड कर देंगे अपने ऑर्डर्स में, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 इजी था, चलो क्वेश्चन नंबर 17। कैन द AO कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस इन This regarded to the order passed by TPO, Transfer Pricing Officer. भाई AO ने ना Transfer Pricing Officer के order को disregard कर दिया है, किस purpose के लिए? Income from international transaction. देखो income from international transaction के लिए TPO के order को ही disregard कर दिया। By accepting the contention of the SSC. चलो ठीक है, question समझ में आया, एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ मैं। देख भाई, जनरली सोचो, आप लोग जितने भी हो, आप लोग एक जनरल बात सोचो, एकदम प्रैक्टिकल जनरली। आपको अभी तक टैक्स नहीं पता, टैक्स लॉज नहीं पता, जनरली सोचो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का स्पेशलाइज्ड पर्सन कौन होगा? सर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग। TPO इसमें स्पेशलाइजेशन रखा होगा, तो अगर TPO अपनी कोई ऑर्डर दे रहा है AO को, AO को तो उस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, मतलब कोई स्पेशल आप ही के डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसके बेसिस पे ही असेसमेंट करनी चाहिए ना, ना कि एसएससी ने जो बोलिया, जो कंटेंशन एसएससी का था उसके बेस पे असेसमेंट कर देनी चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, बस यही लॉजिक ही सॉल्यूशन है। देख लो, सेक्शन 92 CA 4 प्रोवाइड दैट द ऑर्डर ऑफ द TPO ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर डिटरमाइन द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज binding. देख लो, ध्यान दे दो फिर से, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस के लिए जो भी TPO ने आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करने के लिए जो ऑर्डर पास किया है वो बाइंडिंग है ऑन द assessing ऑफिसर, ठीक है, एंड द assessing ऑफिसर शैल प्रोसीड टू कंप्यूट द टोटल इनकम इन कंफॉर्मिटी विद द आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो ये ऑर्डर AO पे बाइंडिंग होता है, और जो ऑर्डर
दिया था टीपीओ ने, उसके बेसिस पे जो आम लेंथ प्राइस निकल रहा है उसी पे असेसमेंट करनी होगी, उसी को बेस लेके असेसमेंट करनी होगी प्रैक्टिकली. देयरफोर द एओ कैन नॉट कंप्लीट द असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इज डिसरिगार्ड द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर. भाई टीपीओ के ऑर्डर को डिसरिगार्ड करके तुम असेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंशन रेज्ड बाय द एसएससी, या फिर जो कंटेंशन एसएससी ने रेज कर दी उस बेसिस पे ऑर्डर कर दी, ऐसा नहीं होता है. ये आप स्पेशलाइज्ड आदमी था टीपीओ, वहां बैठा है, क्यों बैठा है फर्जी, उसकी बात सुनोगे नहीं तो वो कोई हमें क्यों करेगा. तो इसलिए जो प्रैक्टिकल कुछ सिचुएशंस में ना प्रैक्टिकल सोचो कि बॉस कौन है, स्पेशलाइज्ड कौन है, तो भी आप असेसमेंट प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल लेंगे. क्वेश्चन नंबर 18, टी लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 ऑन 6th ऑफ जून 2018. देखो असेसमेंट ईयर क्या है, 18-19 मतलब प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा, 2017-18, और इसकी लास्ट डेट क्या रहती है रिटर्न की, टी लिमिटेड है ना तो 30th सितंबर लास्ट डेट होती है, ठीक है, 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, 30 सितंबर 2018, उसके पहले इन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है. पॉइंट्स निकालते जाओ. द रिटर्न इज सेलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) फॉर विच नोटिस अंडर सेक्शन 143 इज सर्वड ऑन द कंपनी ऑन 3rd अक्टूबर 2019. एक बहुत अच्छी चीज जिसमें शायद आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, 143(3) क्या होता है, रेगुलर या स्कूटनी असेसमेंट का ऑर्डर जाता है, प्रोसेसिंग होती है रेगुलर या स्कूटनी असेसमेंट की. बट सेक्शन 143(2) क्या होता है सर, 3 में तो रेगुलर असेसमेंट और स्कूटनी असेसमेंट का ऑर्डर जाता है, ये असेसमेंट्स होते हैं, बट इस ऑर्डर को करने की जो नोटिस जाती है वो 143(2) में जाती है, ठीक है. तो ये बता रहा है कि 143(2) मतलब स्कूटनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट की नोटिस 3 अक्टूबर 2019 को गई है, 3rd ऑफ अक्टूबर 2019. The company responds the notice under section 143(2), examine whether the service of notice is within the time and if not, यदि नहीं है time की, whether the assessment order can be challenged by the SSC. बहुत अच्छा question है. देखो 143(2), अगर तुम्हें notice serve करने की time क्या होती है ना, तो जिस assessment year में 30 September में हमने return file किया, from 6 month from the end of फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल, तो रिटर्न वॉल कब फाइल हुई है, 30 सितंबर 2018 को. 30 सितंबर 2018 को अगर रिटर्न फाइल हुई है, रिटर्न फाइल हुई है 30 सितंबर 2018 को, तो इसका एंड कब हुआ होगा, 31 मार्च 2019. ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ. 6 मंथ मतलब 30 सितंबर 2019 तक ही हम नोटिस दे सकते हैं, और यहाँ 3 अक्टूबर को दिए, 3rd अक्टूबर को. क्या ये नोटिस वैलिड है, जी नहीं, ये नोटिस टाइम बार्ड हो चुकी है. बट बात होती है कि अगर एसएससी टाइम बार्ड होने के बाद भी अगर एसएससी ने नोटिस को रिस्पॉन्स कर दिया और असेसमेंट कंप्लीट हो गई, असेसमेंट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट होने के बाद इस असेसमेंट को एसएससी चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई साहब ये असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती क्योंकि नोटिस इनवैलिड था, ये चैलेंज नहीं कर सकता. बिकॉज एसएससी तुम क्यों रिस्पॉन्स किए, तुमने सब कुछ कॉपरेट किया हमारे साथ, अब तुम, हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट अगर ये नोटिस जा रहा है, तुम्हारे लिए अनफेवरेबल है, तो तुम कहते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इनप्रॉपर नोटिस था, अब तुम्हारा ये ऑब्जेक्शन हम नहीं मानेंगे. तुम क्या करते अगर 3rd अक्टूबर को आई थी ना, तुम रिस्पॉन्स ही नहीं करते तो ही बात वहां खत्म हो जाती, लेकिन तुमने रिस्पॉन्स कर दिया जब सारी की सारी खिचड़ी पक गई है, हैं, तुम रिस्पॉन्स कर दिए, सारी खिचड़ी पक गई, अब कहते हो नहीं गलत टाइम पर नोटिस आया था, गैस ही ऑन नहीं थी, ऐसे थोड़ी होता है. आपने सब रिस्पॉन्स कर दिया, सब कुछ हो गया, तो आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, किस अपील पर जाना है कहीं जाओ वो बात अलग है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन इस बेस पर नहीं लग सकते कि नोटिस जो है वो टाइम बार्ड थी, नोटिस जो है इनप्रॉपर मैनर में आई थी. ओके, सब कुछ यही है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा. चलो पढ़ लेते हैं एक बार. द टाइम लिमिट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न ऑफ इनकम वाज फर्निश्ड. कब फर्निश हुई है रिटर्न,
30 जून को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 से 6 महीना 30 सितंबर 2019, ठीक है। द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 1890 वाज फाइल्ड बाय द एसएससी ऑन 6th जून 2018, देयरफॉर द नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) हैज टू बी सर्वड बाय 30 सितंबर 2019। हाउएवर द नोटिस वाज सर्वड ऑन द एसएससी ओनली ऑन 3rd अक्टूबर 2019, हेंस द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1432) इज टाइम बार्ड। ये नोटिस तो टाइम बार्ड था। हाउएवर एज पर सेक्शन 292BB वेयर एन एसएससी हैड अपीयर्ड इन द प्रोसीडिंग एंड कोऑपरेटेड इन एनी इंक्वायरी रिलेटिंग टू एन असेसमेंट और रीअसेसमेंट, इट शैल बी डीम्ड दैट द नोटिस रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अपॉन हिम हैज बीन ड्यूली सर्व्ड। भाई यहां पे एक बार हम रुक रहे हैं, हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, अगर तुमने कोऑपरेट कर लिया तो मान लिया जाएगा जो नोटिस भले ही टाइम बार थी फिर भी तुमको ड्यूली सर्व्ड हुई है, क्योंकि सर्व हुई है, तुमने रिस्पॉन्स भी कर दिया, मान लेंगे कि ड्यूली सर्व्ड हुई थी। अपॉन हिम इन टाइम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट, एज पर एक्ट हुई है, विद इन द टाइम हुई है, एंड सच एसएससी शैल बी प्रिक्यूल्ड फ्रॉम रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन इन एनी प्रोसीडिंग और इंक्वायरी दैट द नोटिस नॉट सर्व्ड अपॉन हिम इन टाइम और नॉट सर्व्ड अपॉन हिम इन प्रॉपर मैनर। क्या हो गया उसको, देखो यहां से फिर देखो, एंड के बाद देखिए आप, सच एसएससी उस एसएससी को रोक दिया जाएगा कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने से तीन चीजों के लिए, कि उसको नोटिस टाइम पे नहीं मिली, इम्प्रॉपर मैनर पे मिली, या फिर विद इन द टाइम नहीं मिली, नोटिस सर्व नहीं हुई, टाइम पे नहीं मिली, या प्रॉपर मैनर में नहीं मिली, अब वो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता अगर उसने रिस्पॉन्स करा दिया। और रिस्पॉन्स करने से मतलब नहीं, रिस्पॉन्स बना के ना असेसमेंट भी कंप्लीट करा दिया, असेसमेंट जो है वो कंप्लीट करा दिया, असेसमेंट कंप्लीशन के पहले वो भले ही ले ले, लेकिन असेसमेंट कंप्लीशन के बाद नहीं ले सकता है, ठीक है। चलो फिर देखो, द अबव प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द एसएससी हैज रेज्ड सच ऑब्जेक्शन। एसएससी पहले ही बोल दिया नहीं नहीं नोटिस सही समय इशू नहीं हुई है, सही टाइम पे इशू नहीं हुई है, बिफोर कुछ लाइंस को घेर दो जिनको मैं सर्कल करूं, वर्ड्स को घेर दीजिए आप भी, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सच असेसमेंट और रीअसेसमेंट, देयरफॉर इन द इंस्टेंट केस इफ एसएससी टी लिमिटेड हैड रेज्ड एन ऑब्जेक्शन टू द प्रोसीडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन सर्विस ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 143 अपॉन इट ऑन टाइम, देन द वैलिडिटी ऑफ सच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन अब्सेंस, देन द वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड। अगर ऑब्जेक्शन उसने पहले लिया था ना तभी वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर चैलेंज हो सकता है, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ सच ऑब्जेक्शन, अगर उसने पहले ऑब्जेक्शन नहीं लिया द असेसमेंट ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड। सर क्या बोला सर, देखो बेटा ये बोला मैंने, अगर उसने ऑब्जेक्शन ले लिया असेसमेंट पूरे होने के पहले, अगर उसने असेसमेंट या रीअसेसमेंट पूरे होने के पहले अगर ऑब्जेक्शन ले लिया तब तो वो चैलेंज कर सकता है वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर को, लेकिन अगर पहले ऑब्जेक्शन नहीं लिया था तो बाद में चैलेंज नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन द केस ऑफ मिस्टर राजेश अ समरी असेसमेंट वॉज मेड अंडर सेक्शन 143(1). देखो ये जो 143(1) है ये तुम्हारी इंटीमेशन होती है, इंटीमेशन ऑफ असेसमेंट, ये इंटीमेशन होती है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, याद रखना ये असेसमेंट का कंप्लीशन नहीं होती है, असेसमेंट का कंप्लीशन नहीं होती है। असेसमेंट का कंप्लीशन कहाँ मिलता है सर, 143(3) में ऑर्डर आता है तब बोलते हो असेसमेंट हुआ है, 143(1) को असेसमेंट होना नहीं बोलते, ये केवल अर्थमेटिकल एरर वगैरह जो सही करता है, जो अभी हमने अर्लियर क्वेश्चन में पढ़ा था वो वाला काम करता है, ठीक है। इन केस ऑफ मिस्टर राजेश समरी असेसमेंट वॉज मेड अंडर सेक्शन 154(3) फॉर असेसमेंट ईयर 15-16 विदाउट कॉलिंग हिम, देयरफॉर मिस्टर राजेश हैज रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑन 6th अप्रैल 2018। पहली बात सर सेक्शन 148 में नोटिस कौन सा वाला होता है, लिखो यहाँ पे इनकम स्केपिंग असेसमेंट वाली नोटिस गई होगी, ठीक है, इनकम स्केपिंग असेसमेंट की नोटिस जाती है यहाँ पे, एंड ऑन 6th अप्रैल 2018, क्या विद इन द टाइम है, हाँ सर 6 साल 10 साल आपने बताया था विद इन द टाइम है। फॉर री ओपनिंग ऑफ असेसमेंट कैन मिस्टर राजेश चैलेंज द लीगलिटी ऑफ द नोटिस ऑन ग्राउंड दैट चैलेंज चेंज ऑफ ओपिनियन, देखो
ये जो राजेश थे ना, इनको 143 की एक नोटिस आई, 143 में जो कुछ जो सही होना था वो सब कुछ सही वही कर दिया गया। उसके बाद 148 की नोटिस इनको अप्रैल 2018 में आती है। तो मिस्टर राजेश का कहना है कि ये चेंज इन ओपिनियन है, क्योंकि 143(1) में पहले ही असेसमेंट हो चुका है, जबकि 143(1) में असेसमेंट नहीं, केवल इंटीमेशन ऑफ असेसमेंट होता है। तो मिस्टर राजेश, जब असेसमेंट हुआ ही नहीं तो चेंज इन ग्राउंड का ऑप्शन ही नहीं आता है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। मिस्टर राजेश की यहाँ पे चैलेंज की जो लीगैलिटी है वो सही नहीं है। अंडर सेक्शन 143(1), ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ना पूरा 143(1) को डिस्क्राइब किया है, और ये हम लोगों ने अभी देखा भी था 143(1). ओए कहाँ गए ओए, देखो ये 143(1) में जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ATIA ATIB को और ये सब दुनिया भर की जो कहानी थी ना, जो मैंने पूरी एक्सप्लेन की है यहाँ तक, ये 143(1) के बारे में बताता है। तो इसको आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन क्रक्स, मेन आंसर आता है वो यहाँ पे ये आ रहा है, 143(1) में ये बताया, और फिर 143(3) में क्या होता है, सिंस देयर इज नो असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3), इन दिस केस द क्वेश्चन ऑफ चैलेंज ऑफ ओपिनियन डज नॉट अराइज। क्योंकि असेसमेंट 143(3) में होता है, 15-16 का क्या असेसमेंट हुआ है? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रभु, मेरे साथ, मेरे चैनल वालों, सब्सक्राइबरों, क्या असेसमेंट हुआ है बताओ जरा 143 में। भाई इंटीमेशन आती है, असेसमेंट नहीं होता है, 143(3) तो हुआ ही नहीं था। तो राजेश जी कैसे कह सकते हो कि चेंज इन ओपिनियन हो गया, जबकि असेसमेंट ही नहीं हुआ था। देयरफोर द एसएससी कैन नॉट चैलेंज द लीगलिटी ऑफ द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 148 रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन इन केस वेयर नो असेसमेंट इज मेड अंडर सेक्शन 143(3). This inference is supported by the Supreme Court ruling in ACIT versus Rajesh Jhaveri Stock Broker. देखो सीधी सी बात है, जब assessment हुई नहीं थी तो reassessment के time तुम, जब assessment ही नहीं हुई तो तुम कैसे कह दिए कि पिछली बार जब assessment हुई थी तो आपका opinion कुछ और था, अब आपका opinion change हो गया है। वही assessment हुई नहीं है, बात ही खत्म बस। अब एक बात और ध्यान यहीं पे दो, इधर उधर गायब मत हो। अगर आप लोगों के साथ हो रहा है ना कि यार लेक्चर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, जो कि साइकोलॉजिकली हमेशा ही होना है, लेक्चर 20-25 सेकंड बैक फॉरवर्ड कर लीजिए, आपकी लिंकेज आ जाएगी। 20-25 सेकंड 20-25 सेकंड बैक फॉरवर्ड कर लिया कीजिए, लेक्चर्स सपोर्ट करेगा। मेरा भी प्रोसीजर्स यही रहता था जब लेक्चर्स हम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। भाई ये जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट? अ फ्रेश क्लेम बिफोर द AO कैन बी मेड ओनली बाई फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न एंड नॉट अदरवाइज। तुम बताओ सही है कि नहीं है? अभी तक जितना हम पढ़े वो उसके अकॉर्डिंग फ्रेश क्लेम करना है, रिवाइज रिटर्न के थ्रू होना चाहिए। ये बात सही है या नहीं है? देखो ये बात समझो, जितने भी फ्रेश क्लेम बनाने होते हैं या मेरे 139(1) में गए हुए रिटर्न में कोई गलती होती है, कोई एरर है, मिस्टेक है, ओमेशन है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 139(5). और ये रिवाइज रिटर्न की भी वही लास्ट ड्यू डेट वगैरह है जो बिलेटेड रिटर्न की होती है, जो मैंने बता रखी है आपको सेक्शन 139(5) में। इवन इसमें एक केस हो रखा है, शायद वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गया था, ये तो नहीं ध्यान है, बट ये था कि एक आदमी था, उसको फ्रेश क्लेम लेना था, तो उसने फ्रेश क्लेम लेने के लिए क्या किया, एक लेटर लिख दिया, लेटर लिख के पोस्ट कर दिया AO को। तो क्या ये वैलिड है? जी नहीं। कुछ भी और तरीका, लेटर लिख के भेज देना, चिट्ठी दे देना, कोरियर कर देना, हैं सब कुछ तुम दुनिया भर की चीज़ें कर लो, बिल्कुल नहीं। कोई भी फ्रेश क्लेम अगर आपको लेना है, एरर मिस्टेक ओमिशन सही करनी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन खुला है आपके पास, रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द प्रीपोजिशन इज करेक्ट, सही बात है भाई। अ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) और अ बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4), टाइम पे नहीं कर पाए तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मे बी रिवाइज्ड बाई फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). Where the SSC find any omission or wrong statement in the original return में कोई mistake मिल गई थी, ओए
to satisfying such condition. There is no provision in the Income Tax Act 1961 to make a change or modification in the return of income by filing a letter. ये जो मैंने letter वाली बात बताई, ये Supreme Court और या High Court किसी एक की ruling है, ठीक है? The revised return can be filed at any time before the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment whichever is earlier. ये भी मैंने आपको 139(4) में बताया था ना, 139(5) जब बताया था कि revised return कब हो सकता है, या तो assessment complete जो time limit थी end of the relevant assessment year या end of the relevant assessment year के end, या तो फिर assessment complete होने के पहले पहले, क्योंकि अगर assessment complete ही हो गई तब क्या revise कर रहे हो भाई, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है, देखो बिफोर, इस लाइन को आप एक बार सर्कुलेट कर लो, बिफोर द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, आप रिवाइज रिटर्न डाल दो, ठीक है? इन केस वेयर रिटर्न, अगर रिवाइज रिटर्न से नहीं डाले और एरर थी, क्लेम लेना था तो अपील में जाओ, तब तो रिवाइज नहीं कर सकते ना, असेसमेंट आ चुकी है तब रिवाइज नहीं कर सकते, अपील में जाओ, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर सकते, अपील जाइए। याद रखना ये रिवाइज रिटर्न की फैसिलिटी आपकी खत्म हो रही है, ऐसा नहीं आप एरर सुधार नहीं करवा सकते हैं, रिवाइज रिटर्न की फैसिलिटी खत्म हो जाती है क्योंकि उस रिटर्न पे जो ओरिजिनल रिटर्न था, रिवाइज रिटर्न की फैसिलिटी क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल रिटर्न था ना उसका असेसमेंट हो गया, वो बात यहीं खत्म हो गई, तो खत्म हुई बात को क्यों जगाते हो, ओके? इन केस वेयर अ रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) और अ बिलेटेड रिटर्न इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4), द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू द एसएससी टू मेक एन अमेंडमेंट ऑफ सच रिटर्न इज बाई वे ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). देयरफोर अ फ्रेश क्लेम कैन बी मेड बिफोर द एओ ओनली बाई फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न एंड नॉट अदरवाइज। द सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, देखो ये जो मैंने बोला था ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी एक की रूलिंग है, ये रूलिंग आपकी सुप्रीम कोर्ट की है, हाई कोर्ट की रूलिंग ये नहीं है, ये हाई कोर्ट की रूलिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ओके? द सुप्रीम कोर्ट इन गोडजे लिमिटेड वर्सेज सीआईटी में जो था, हैज हेल्ड दैट देयर इज नो प्रोविजन इन इनकम टैक्स 1961 टू अलाउ एन अमेंडमेंट इन रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एक्सेप्ट बाय वे ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न। अगर आपको कोई चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करिए, ओके? आज के लेक्चर्स, आज के डेली 5 क्वेश्चंस की सीरीज, जो लोग भी न्यू हो इस चैनल पे, डेली 5 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, कैपिटल गेन से करीबन कर रहे हैं, 2 महीने से लगभग हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करते हैं, 30 मिनट्स के ही पर वीडियो होते हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।